T20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों ने रचा इतिहास। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ाकर रख दी धज्जियां। पहला T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीता, तो वहीं पहला T20 का मुकाबला हारने के बाद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए जब भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने दोहरी और यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 127 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, एसएसवी जयसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कोहराम मचा दिया, तो वहीं खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। अभिषेक शर्मा ने भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी निकाल कर रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे। किस तरीके से भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम यहां पर हैरानियत में पड़ गई कि आखिरकार ये रोहित शर्मा की तरह सूर्य कुमार यादव और सचिन तेंदुलकर की तरह रिंकू सिंह बल्लेबाजी कैसे कर सकते हैं। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तो सूर्य कुमार यादव ने पल भर में ही तोड़ दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर रोहित, विराट और गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए और इन दिग्गज खूंखार विस्फोटक शेरों ने यहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को सलाम ठोका। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया, तो वहीं यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा का भी तूफान देखने को मिला। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरा T20 मुकाबला। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब दूसरे T20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा शायद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को लगा कि हम टॉस की बाजी जीत गए हैं तो इस मुकाबले को भी बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे और दूसरा T20 का मुकाबला हर हाल में जीतकर सीरीज में बराबरी पालेंगे। तो बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफ़ी रही। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खतरनाक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से दो कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और पहले ही ओवर 14 रन बटोर लिए। यशस्वी जायसवाल काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी दूर करने लगे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं शुभमन गिल ने काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर यानी कि दूसरे ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव को चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखे और दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर तगड़ा शॉट खेल के छक्का ठोक दिया। यहां पर यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर यहां पर 12 रन ठोक दिए और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज को जम करके धो दिया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव को चौका ठोक दिया, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक सुमन गिल के हाथों में दे दी और सुमन गिल ने तीसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेला, लेकिन सुमन गिल यहां पर काफी बड़ी गलती कर गए। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब घातक विस्फोटक सुमन गिल बल्लेबाज कैच आउट का सामना कर बैठे। सुमन गिल जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम में सनसनी छा गई। सुमन गिल के आउट होने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जी हां, अभिषेक शर्मा ने मैदान पर कदम रखा और तूफानी विस्फोटक अंदाज में पांचवें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। तो वहीं छठे ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब यशस्वी जायसवाल 52 यानी कि 52 रन ठोक करके आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आए घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें यहां पर ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें बांग्लादेश के गेंदबाज को जमकर के धो दिया। अभिषेक शर्मा वो तूफानी, वो खतरनाक, वो विस्फोटक बल्लेबाज है जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धोया था पहले T20 के मुकाबले में और इस बार बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में
अभिषेक शर्मा ने सातवें ओवर की छह गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार छक्के और दो कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर भरी बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभिषेक शर्मा के सामने गेंदबाजी करे तो करे कैसे। अभिषेक शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बनकर टूट पड़े। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें ऋतुराज गायकवाड़ ने आठवें ओवर की पहली बॉल पर एक चौका ठोक दिया, आठवें ओवर की दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव की ओर छक्का ठोक दिया, आठवें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए जहां पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा के हाथों में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा ने आठवें ओवर की बची तीन बॉलों पर लगातार तीन छक्के ठोक दिए। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा को आउट करने के लिए यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर मैदान पर कहर बरसा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को यहां पर नवे ओवर की चौथी बॉल पर काफी बड़ा झटका लगा जब पूरी बुरी तरीके से क्लीन बोल्ड हुए ऋतुराज गायकवाड़ 21 रन ठोक करके आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज आप सभी को बता दें ऋषभ पंत। जी हां, आप सभी को बता दें ऋषभ पंत वो तूफानी विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज है जिसने मैदान पर उतरते ही नवे ओवर की बची यहां पर दो गेंदों पर लगातार दो चौके ठोक दिए और यहां पर नवे ओवर में यहां पर आठ रन विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ठोक दिए। तो वहीं यहां पर दसवें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा जब 65 रन ठोकर के भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हुए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। जी हां, ऑलराउंडर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या जिन्होंने मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा रहे थे। हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन विस्फोटक तरीके से 11वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी चौका ठोक दिया। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या ने 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए जहां पर हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाजों का माथा चकरा दिया। हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की छह गेंदों पर लगातार तीन छक्के और दो कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे, लेकिन 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें विकेट कीपर ऋषभ पंत यहां पर 19 रन ठोक करके आउट हुए। 19 रन ठोक करके जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज आउट हुए मैदान पर सनसनी छा गई क्योंकि यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जैसे खतरनाक विस्फोटक शेयर जब आउट हुए कोई 21 तो कोई 18 तो कोई 36 तो कोई 65 रन ठोक करके यहां पर भारतीय टीम ऐसा लग रहा था कि दूसरा T20 का मुकाबला हार जाएगी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 रन भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर मैदान पर एक ऐसा तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बल्लेबाज अगर एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो अकेले ही 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। यानी कि हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। इस बल्लेबाज ने मैदान पर उतरते ही 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक करके 80 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। तो वहीं 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर मैच 34 रन ठोक करके हार्दिक पांड्या भी क्लीन बोल्ड हो गए। अब हार्दिक पांड्या जब आउट हुए तो भारतीय टीम की सारी जिम्मेदारी अब यहां पर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ गई। अब रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखते ही महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसाते हुए 13वें ओवर की 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यहां पर एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे रिंकू और सूर्या को आउट करने के लिए
लिए, लेकिन रिंकू और सूर्या को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। रिंकू और सूर्या को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ के तेजी तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। कुछ बांग्लादेश के गेंदबाज ऐसे थे जो रिंकू और सूर्या का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 14वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाने लगी। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 15वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ले लिया। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए और 15वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने 31 रन ठोक दिए और काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वें ओवर की 6 गेंदों पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह भी देख करके हैरान रह गए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, यहां पर आप सभी को बता दें महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर ने खड़े होकर के रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को सलाम ठोका। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 17वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, जहां पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव के हाथों में पहुंच गई और सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर की चौथी बॉल पर एक चौका ठोक दिया और 17वें ओवर की पांचवीं बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और 17वें ओवर की छठी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने मिलकर के 17वें ओवर में लगातार यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 28 रन ठोक दिए। तो वहीं यहां पर 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 2 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। तो वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के और एक कवर ड्राइव की ओर चौका यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिया। तो वहीं 20वें ओवर के 6 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का रिंकू सिंह ने ठोक दिया और 14 रन बटोर लिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों ने एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर आप सभी को बता दें श्रीलंका के साथ साथ अब बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर गई। जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जीत की उम्मीद से उतरी, तो बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी। दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने को तैयार थी। भारतीय टीम की तरफ से सबसे पहला ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई ने पहले ओवर में तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कमाल कर दिया। रवि बिश्नोई ने यहां पर 2 ही रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के आवेश खान, काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज आवेश खान ने यहां पर सिर्फ 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और कुलदीप यादव ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक विकेट चटका दिया और सिर्फ 12 रन दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि रवि बिश्नोई ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 16 रन देते हुए एक विकेट चटका दिया। तो वहीं यहां पर 7वें ओवर की 6 गेंदों पर एक विकेट मोहम्मद सिराज ने चटका दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे 9वें ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम ने यहां पर बांग्लादेश के 4 बल्लेबाजों को धूल चटा दी और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब भारतीय टीम की यहां से गिनती जो है उल्टी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और जिनका बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम यहां पर दूसरा टी20 का मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने जसप्रीत बुमराह की 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। मोहम्मद सिराज की 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और चौका ठोक
ठोक दिया। रवि बिश्नोई के 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, यहाँ पर कुलदीप यादव जैसे तूफानी विस्फोटक गेंदबाज 14वां ओवर लेकर जब गए तो 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 5 चौके और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के तो खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जिनका बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था और काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव ने यहाँ पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक गेंदबाज आप सभी को बता दें मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटका दिए। और यहाँ पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज आप सभी को बता दें रवि बिश्नोई ने भी ताबड़तोड़ तरीके से 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। और जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। यहाँ पर भारतीय टीम ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए दूसरा T20 का मुकाबला भी जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।